Hello all CA Foundation students, my friends out there, this is CA Apurva. I hope you all are safe and at home and you are taking care of your parents too in this situation. Hope you all are safe. Guys, जैसे पहले भी आपने probably देख लिया होगा कि law related study tips या फिर how to study law, 90 days action plan, etc. ये सारे जो videos मैंने डाले हुए हैं regarding your self study, उसमें सबसे important एक चीज़ जो मैं अभी आज आपको share करने जा रही हूँ. So, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ guys कि ये चीज़ जो मैं आज discuss करने जा रही हूँ, it is going to give you the extra, you can say, confidence, right? When you are facing the ICAI examinations. तो पहली चीज़, as you all know guys, जैसे almost अभी अभी कुछ students तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी 12th का result लगा हुआ है, and you all know कि from past 15 years, like 10th board, 12th board, सबसे important, अभी तक आपके life में सबसे important ये दो चीज़ें रही हैं, which is 10th board and 12th board, right? So, till this time, we have been following a particular set of pattern of our studies, right? जैसे कि, for example, अगर मैं 10th की बात करूँ या फिर मैं 12th की बात करूँ, everyone has private coaching also, as well as school में जो teachers हमको सिखाते हैं. पहली चीज़ क्या करते हैं? Teachers हमको सिखाते हैं. कुछ syllabus complete होने देते हैं. Syllabus complete होने के बाद, वो क्या करते हैं guys? They announce a unit test, right? In our classes, I am sure everybody is following this particular pattern throughout their educational life till 12th, right? They announce the unit test, right? उसके बाद 10th के लिए specifically अगर मैं बोलना चाहूँ, तो we have been conducted in our schools the you can say examinations called, जब हम देते थे तो it has been called as prelims, right? अभी भी आई गेस वही होता होगा. सो प्रीलिम्स होती थी, प्रीलिम्स अराउंड एक से डेढ़ महीना पहले कंडक्ट करते थे, जब भी हमारी बोर्ड की एग्जाम से उससे एक से डेढ़ महीना पहले, राइट? एंड देन आर फाइनल एग्जामिनेशन इज देयर. सो ये पैटर्न हर एक ने फॉलो किया है, हर एक ने एक्सपीरियंस किया है, इसकी वजह से हर एक को रिजल्ट भी मिला है. यस और नो? यस, राइट? सो our mind, or you can say our brain, is habituated from last 15 years to this concept of studying practicing and then giving the final examinations. So why not, when you are giving a competitive level professional examination like CA, तो ये चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, definitely कर सकते हैं और करनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट 3 months का, जैसे लॉ सब्जेक्ट का मैंने एक्शन प्लान बताया था कि इतने टाइम तक आपका फर्स्ट रीडिंग होना चाहिए, इतने टाइम तक आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए, इतने टाइम तक आपका सेकंड रिवीजन होना चाहिए, एक्सेट्रा. सो आई वुड बी गिविंग यू द की टू योर सक्सेस, विच इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड बींग अ सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट या सी ए फाउंडेशन एस्पिरेंट. आप कोई भी लेवल में जाओ, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, विच इज गिविंग ऑफ टेस्ट सीरीज, राइट? प्रैक्टिस हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, बट टेक्निकल लैंग्वेज में वी कॉल दिस एज टेस्ट सीरीज, ठीक है? नाउ लेट मी गिव यू सम क्लैरिटी अबाउट द पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज. कुछ स्टूडेंट्स ने वी स्मार्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, उनको ऑलरेडी उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि वो लेक्चर्स के साथ साथ हर एक संडे को टेस्ट लिख रहे थे और उसकी वजह से एटलीस्ट उन्होंने रिवाइज किया. गए सिंपली, मैं अगर एक बहुत सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ ना, तो टेस्ट सीरीज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो खुद को आपको मोटिवेट करता है, खुद को एक इंसाइट देता है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, राइट? सो बहुत से बेनिफिट्स हैं बाय गिविंग टेस्ट सीरीज. स्लोली स्लोली विथ एग्जांपल्स वी विल सी कि नेक्स्ट 3 months आपको टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए.
First of all, I'll give you the quick brief introduction about the new concept which is there is portion wise test series. Now, in portion wise test series, we have been conducting 5 tests per subject, right? Kitne? Har ek subject ke 5 test, okay? Starting from August end. Now, please understand the structure of portion wise test series, the pattern in which the portion wise test series is going to be there, and how this 90 days action plan will help you by giving the test series. Aapko kaise pata chalega ki aap kahan pe galat ja rahe ho, kya cheeze improvise karni hai, etc, 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 apart from self revision. Okay, so firstly, portion wise test series mein first test is held on 30% syllabus. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स की मैं बात करना चाहूँ तो अकाउंट्स में 30% सिलेबस में क्या टॉपिक्स लिस्टेड है उसका मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, एडीडी अकाउंट, करंट इन्वेंटरीज. इज इट डिफिकल्ट? नो. जब भी कोई भी, अभी आप किसी भी फैकल्टी का एक्शन प्लान देखोगे या फिर मेरा सजेशन लोगे, जो भी है, मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आप आपका शेड्यूल ऑल टुगेदर चेंज करने वाले हो, स्टार्ट विद द स्मॉलर चैप्टर्स इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्फिडेंस, राइट? रिमेंबर. सो ये भी पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज इसी टेक्निक पे डिजाइन की गई है. स्टार्ट विद द स्मॉलर चैप्टर्स, गेन कॉन्फिडेंस, adapt to the new schedule and then be into the pace. मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ, जब हम रेस में दौड़ रहे होते हैं या फिर एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, तो वो थोड़ा सा पीछे जाके स्विंग में बाद में स्पीड कवर अप करता है. सेम चीज हमें ये टेस्ट सीरीज में भी फॉलो करनी है. इसीलिए पहली टेस्ट जो है वो बहुत ही लाइटर सिलेबस पे है, विच इज 30% सिलेबस, विच विल बी हेल्ड एट इन ऑगस्ट एंड. 27th ऑगस्ट से ये चालू हो रही है. देन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज विच इज देयर कवर्स अ 50% सिलेबस. अभी इसमें न्यू चैप्टर्स हैं एंड अलोंग विद द न्यू चैप्टर्स ओल्ड चैप्टर्स भी है. सो क्यूमुलेटिव रीडिंग, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्यूमुलेटिव रीडिंग इज द बेस्ट टेक्निक, राइट? सो नए के साथ साथ पुराना भी रिवाइज करना जरूरी है इन ऑर्डर टू रिटेन द कंसेप्ट्स इन माइंड. ओके, सो दूसरी चीज है 50% सिलेबस के टेस्ट. अभी फॉर एग्जांपल उसमें नए टॉपिक्स क्या रहेंगे, स्पेसिफिकली अकाउंट्स की बात करना चाहूँ तो एनपीओ, बिल ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट, ये टॉपिक्स हैं अलॉन्ग विद द ओरिजिनल 30% टॉपिक्स. This test would be held around in the month of mid of September. Now, third test which we have designed is on 70% of the syllabus, which covers the sizable portion by September end. So, agar aap dekhoge guys, portion-wise test series is the best technique. You can say it is the most appropriate exam-oriented test series. Kyunki pehli cheez, now count the benefits, huh? पहली चीज, इट गिव्स यू द रेडीमेड टारगेट्स, इट गिव्स यू द टाइम जोन. पहली चीज, आपको रेडीमेड टारगेट्स मिल रहे हैं क्योंकि सिलेबस लिस्टेड है. दूसरी चीज, कब देना है वो टेस्ट, इसीलिए टाइम फ्रेम भी आपको मिल रहा है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपके सेल्फ स्टडी में, विच इज प्लानिंग एंड गेटिंग द टाइम टेबल्स डन, दिस इज ऑलरेडी डन बिकॉज ऑफ द पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज. यू हैव द रेडीमेड टारगेट्स इन फ्रंट ऑफ यू, करेक्ट? दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप खुद से बैठ के पेपर लिखोगे तो ही आप राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हो. आप इतने भी सिंसियर नहीं हो कि आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आई एम हैविंग 5 years एक्सपीरियंस, राइट? सो मुझे पता है कि आप खुद से तो करने ही नहीं वाले हो. आपके पीछे पड़ने वाला अगर कोई होगा कि तूने क्यों नहीं किया, तेरा परफॉर्मेंस खराब है, तुझे नेक्स्ट इसमें करना है, करना है, करना है, करना है, जब तक ये पिन नहीं बैठती आपको, आप खुद से तो करने ही नहीं वाले हो. तो ये बहुत बड़ा दूसरा बेनिफिट है कि यस, आपके माइंड में ये फिट रहता है कि ये डेट पे मुझे टेस्ट देना है, नहीं दिया तो मैम सर हमको डांटने वाले हैं, हमको पूछने वाले हैं कि क्यों नहीं दिया, ठीक है? सो ये दूसरा बेनिफिट है. तीसरी चीज, जब आप पेपर लिखते हो, बिफोर वी एक्सपर्ट एनालाइज योर पेपर, यू एनालाइज इट योर सेल्फ. बिकॉज जब भी आप पेपर लिख रहे हो,
उसी टाइम पे आपके दिमाग में बत्ती जलती है कि ये चैप्टर में ये हुआ था, ये चैप्टर में वो हुआ था, ये मैं लिख नहीं पाया, ये मुझे और अच्छे से करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इवैल्यूएशन, जो कि आपको नेक्स्ट जब आप पढ़ोगे ना कोई भी चीज़, उसमें आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज थर्ड बेनिफिट विच इज सेल्फ इवैल्यूएशन। फोर्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू गिविंग द टेस्ट सीरीज इज, गाइज वी हैव द क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स टू चेक योर पेपर्स, ओके। दोज आर सी एस, सम ऑफ देम आर फॉर्मर ICI चेकर्स एज वेल, राइट। सो जब एक्सपर्ट्स आपके पेपर एनालाइज करते हैं, राइट फ्रॉम प्रेजेंटेशन कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, टिल द टाइम ऑफ वॉट कंटेंट यू नीड टू राइट, इस सब की क्लैरिटी आपको मिलती है। एंड दिस इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अकाउंट्स एंड लॉ, क्योंकि ये 100 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। सो यू हैव द एग्जैक्ट क्लैरिटी कि आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कैसे लिखनी है, राइट। यू हैव द मॉडल सेट ऑफ आंसर पेपर्स, आपके पेपर्स जो चेक होते हैं उस पर भी कमेंट्स रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये चौथा बड़ा बेनिफिट है गिविंग द पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज। फिफ्थ बेनिफिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, टाइम मैनेजमेंट, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लीकेबल होता है। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्टेप इन देयर स्टडी प्रिपरेशन दे आर लैकिंग, विच दे डोंट गिव टेस्ट सीरीज और दे डोंट प्रैक्टिस इनफ, उनका स्पीड ऑफ राइटिंग कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच आपका 100 मार्क का पेपर कवर अप नहीं हो पाता है। आर यू विथ मी? तो गाइस जस्ट इमेजिन, अगर ICI के एग्जाम देने से पहले आप एक सब्जेक्ट के 5 बार प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपर लिखने की, ऑब्वियसली पहले टेस्ट में नहीं होगा, दूसरे टेस्ट में थोड़ा बढ़ेगा, तीसरे टेस्ट में और बढ़ेगा राइटिंग स्पीड, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स जो है ये वी आर टेकिंग केयर बाय गिविंग द टेस्ट सीरीज। इसमें कुछ नॉन वैल्यू एडेड फैक्टर्स की मैं बात करती हूँ। फियर ऑफ फेसिंग एग्जामिनेशन, येस इट्स देयर टिल द लास्ट डे, बट इफ यू गिव द टेस्ट सीरीज द फियर परसेंटेज गेट्स डाउन। सेकेंड, कॉन्फिडेंस इशूज, एंग्जाइटी, प्रेशर, नॉट मैनेजिंग योर स्टडीज, ये सारी चीज़ें ओवरकम हो सकती है सिर्फ अगर एक ये स्टेप आप आपके स्टडी शेड्यूल में इंक्लूड करोगे, विच इज गिविंग पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज। रैंकर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट CAs, दोज हु आर CAs राइट नाउ सक्सेसफुल, एवरी वन हैज यू नो हाईलाइटिंग, इज हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग द टेस्ट सीरीज बिफोर यू एक्चुअली राइट योर ICI पेपर्स। सो पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न है, जिसमें अगस्त एंड में एक टेस्ट होगी, मिड ऑफ सितंबर दूसरी टेस्ट होगी, सितंबर एंड तीसरी टेस्ट होगी, अक्टूबर एंड अक्टूबर मिड ऑफ अक्टूबर आपके 100 मार्क्स के प्रिपरेशन की टेस्ट होगी। दिस इज अ रियली इफेक्टिव मेथड ऑफ पासिंग गाइज, डू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और बहुत ही परफेक्टली ये 3 महीने में हमने इसको इफेक्टिवली कैसे आपका सिलेबस हैम्पर न करते हुए, आपके रिविजन हैम्पर न करते हुए, हर एक टेस्ट में आपको एम्पल टाइम दिया हुआ है। अभी एक क्वेरी आएगी स्टूडेंट की जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स देखना कम्प्लीट नहीं किया है, उनका क्या? उनके लिए हम फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखने वाले हैं, मतलब जैसे हमने चैप्टर वाइज में रखा था कि देर वुड बी 2 बैचेस, वैसे ही सेम हम पोर्शन वाइज में भी रखने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू इट, एनरोल यूर सेल्फ। वी आर अलाउिंग राइट नाउ द 30% डिस्काउंट इन द फीस, राइट। एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई एम देयर फॉर यू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। गाइज ऑल द बेस्ट, हद पढ़ो, हद प्रैक्टिस करो, डू नॉट गिव अ सिंगल एक्सक्यूज टू योर सेल्फ विथ रिलेटेड विथ योर स्टडीज। अभी 3 महीने जी जान लगा के काम करना है, जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, मेहनत में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, सक्सेस विल बी योर्स। ऑल द बेस्ट, डू वेल, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।